सरकार के फैसले पर समाज की जीत। उत्तराखंड में दहशत की दरारें। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। कोरोना बढ़ा रहा है चिंता। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज। झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित समय शिखर तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाने के खिलाफ सड़क पर उतरे जैन समाज की जंग आखिरकार रंग लाई और केंद्र सरकार ने अपने फैसले पर रोक लगा दी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2019 का फैसला वापस ले लिया है। हालांकि यह इको सेंसिटिव जोन बना रहेगा। पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित समय शिखर को लेकर जैन समाज की मान्यता है कि यह स्थान 24 में से 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है। यदि इस स्थल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा तो यहां मांस और मदिरा का विक्रय होगा, इससे शिखर जी की पवित्रता नष्ट होगी। हालांकि इस पूरे मामले का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये रहा कि केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ उपवास कर रहे जैन संत सुगेह सागर जी महाराज व समर्थ सागर जी महाराज का निधन हो गया। जैन मुनि प्रणाम सागर जी महाराज ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे जैन समाज की जीत बताया है। समाज के लोगों ने भी सरकार के इस फैसले की सराहना की है। श्री समय शिखर जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है। यह करोड़ साधकों की साधना स्थली है। जैन धर्मावलंबी इस पर्वत की रज रज को पवित्र मानते हैं। जब सरकार के द्वारा इसको पर्यटन स्थल घोषित किए जाने की घोषणा हुई तब जैन समाज इससे बहुत आहत हुआ और उन्होंने इसके विरोध में अहिंसक आंदोलन किया। लगातार अहिंसक आंदोलन से सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और हमें प्रसन्नता है कि सरकार ने इस आदेश को पारित किया कि यहाँ उन सभी जैन धर्म की जो भावना के अनुरूप यहाँ सब कार्य होंगे और वो सब उन गतिविधियों पर रोक लगेगी जो जैन धर्म के अनुकूल नहीं है। हम सरकार की इस घोषणा का अभिनंदन करते हैं। हम तो वो उस समाज के हैं जहाँ पर पर्वत की वंदना करते समय हम लोग पानी पीना भी पाप समझते हैं, तो हम सभी जागे और पूरा समाज, ये बहुत गर्व की बात है कि पूरा सकल दिगंबर जैन समाज, किसी भी पंथ का हो किसी भी संप्रदाय का हो, सारा जैन समाज एक झंडे के नीचे आया और देखते देखते लाखों की संख्या में हर क्षेत्र, चाहे सूरत हो चाहे बॉम्बे हो चाहे इंदौर हो, लाखों की संख्या में जैन व्यक्ति सड़कों पर उतर के आए, एक अनुशासित रूप से शांति की कामना के साथ, शांति की भावना से उन्होंने अपना आंदोलन चालू किया। धरना, रैली, बंद, सारा जो कुछ भी हुआ बिल्कुल शांत तरीके से, जो जैन समाज की गरिमा के अनुकूल था। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग थी कि जैन समाज को का जो पवित्र स्थल है समय शिखर, उसे पर्यटन क्षेत्र घोषित न करके पावन क्षेत्र घोषित किया जाए। समय बीतता गया और इस बीच में हमारे श्रावकों ने भी अनशन किया और हमारे मुनियों ने भी अनशन किया और उस अनशन के अंतर्गत हमारे दो मुनियों की समाधि हो गई, जो बड़ा दुखद क्षण है। हालांकि यह मामला पूरी तरह समाप्त हो गया है, यह भी नहीं कहा जा सकता आने वाले समय में यह मामला नया मोड़ ले सकता है। दरअसल पहाड़ के आसपास रहने वाले संथाल आदिवासी समुदाय ने दावा किया है कि पहाड़ सदियों से हमारे देवता मारंग बुरु का है, अतः जैन समाज को यहाँ से हटाया जाए। उनका कहना है कि बाहरी लोगों के कब्जे को हम यहाँ से हटा कर रहेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध जोशी मठ अपने पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ ही सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। चमोली जिले में स्थित जोशी मठ का दूसरा नाम ज्योतिर्मठ भी है। इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। भारत तिब्बत सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर होने से जोशी मठ का सामरिक महत्व भी है। जोशी मठ चमोली जिले में 6150 फुट यानी कि 1875 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह बद्रीनाथ जैसे पवित्र धाम के केंद्रों का भी प्रवेश द्वार है, लेकिन भूस्खलन के कारण अब जोशी मठ का अस्तित्व खतरे में दिखाई देने लगा है। घरों में मोटी मोटी दरारें आ गई है और लोग दहशत में हैं। भूधंसाव के कारण शुक्रवार को एक मंदिर धराशायी हो गया, हालांकि उस समय वहां कोई नहीं था इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। भूधंसाव को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार गंभीर है और लगातार जोशी मठ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं अब तक जोशी मठ से 66 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशी मठ से 600 परिवारों को तत्काल निकालने का आदेश दिया। इस बीच केंद्र सरकार ने भी 6 सदस्यीय अध्ययन समिति गठित कर दी है, जो बारीकी से अध्ययन कर 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जोशी मठ को लेकर हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार सभी से संपर्क में हैं। वहाँ पर हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव कुमाऊं, हमारे गढ़वाल के कमिश्नर, सभी लोग वहीं पर कैंप कर रहे हैं। और साथ ही जो पुरानी रिपोर्ट जो आई है वाडिया समेत रुड़की और अन्य संस्थानों की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जो भी जोशी मठ को बचाने के लिए बचाव कार्य, राहत कार्य, सभी कार्य पूरी तरह से ठीक प्रकार से हों, उसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। वही वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान के निदेशक कलाचंद सैन ने कहा है कि मानव जनित और प्राकृतिक दोनों कारणों से जोशी मठ में जमीन धस रही है। इन दिनों उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में लोग सर्दी का सितम झेलने को मजबूर है। हालांकि कश्मीर घाटी में भीषण सर्दी से कुछ राहत मिली है, फिर भी काजीगुंड में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 5.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि सीमांत जिले कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को राजस्थान में सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि चुरू में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों में तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि मौसम विभाग की माने तो जल्द ही ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम भारत और देश के मध्य तथा पूर्वी हिस्सों में कोहरे की घनी चादर छाई रही, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी कोहरे के चलते उड़ानें प्रभावित हुई। शुक्रवार को हवाई अड्डे के पास पालम वेशशाला में सुबह 5:30 बजे दृश्यता 200 मीटर दर्ज की गई। इसके बावजूद देश में 1901 के बाद से साल 2022 को 5वां सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है। मौसम विभाग कार्यालय ने 2022 के दौरान भारत की जलवायु पर दिए एक बयान में कहा कि जमीन की सतह का वार्षिक और औसत तापमान लंबी अवधि के औसत से 0.51 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जो कि 1981 से 1910 की अवधि का औसत तापमान है। चीन और अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच भारत की चिंता बढ़ना भी स्वाभाविक है। हालांकि भारत में आ रहे मामले बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ 3 दिनों से मामले लगातार बढ़कर आ रहे हैं। शुक्रवार को संक्रमण के 228 मामले सामने आए। भारत में विदेश से आने वाले यात्रियों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के नए 11 केस मिले हैं। उधर ओडिशा के हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि भारत में कोरोना की चौथी लहर मार्च में आ सकती है। वहीं WHO का कहना है कि XBB.1.5 वेरिएंट दुनिया के 29 देशों में मिल चुका है और यह वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और पुराने वेरिएंट्स को रिप्लेस कर रहा है। इस बीच भारत में भी XBB.1.5 वेरिएंट के मामलों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। अब खबरें संक्षिप्त में। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े PFFF को केंद्र सरकार ने घोषित किया प्रतिबंधित संगठन, अधिसूचना जारी। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय ने भी की राहुल गांधी की तारीफ, कहा राहुल खराब मौसम में भी चल रहे हैं, इसके लिए उनकी सराहना की जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी द्वारा बॉलीवुड हस्तियों से मुलाकात के बीच NCP ने कहा कि महाराष्ट्र के परियोजनाओं को चूरा रहा है भाजपा शासित उत्तर प्रदेश। अंजलि के दोस्त का दावा, पैसों को लेकर हुआ था अंजलि और निधि के बीच झगड़ा, छठा आरोपी 3 दिन की पुलिस रिमांड। विमान में सहयात्रियों से बदसलूकी को लेकर DGCA ने दिखाई सख्ती, कहा FIR दर्ज करें, यात्री को बांध। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश डब्ल्यू डिनाओ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।